में मैं सेट फोर दे चुका हूँ, और इस सेट फोर को देने का मकसद जितना भी सेट चलाऊंगा, अभी चार सेट चले या पांच सेट चले, वो सारे सेट चलाने का केवल मकसद है बच्चों को अभ्यास की ओर अग्रसर कर देना, प्रैक्टिस करवाना। और प्रैक्टिस करवाने का था कि पिछला जो भी टॉपिक है हमारा बच्चा जो पढ़ रहा है पिछला, है ना, वो रिवीजन कर दे, बिकॉज क्लास में कोर्स का बड़ी है, कितना चिंता है क्लास में, ताकि लग रहा है चार महीना बच रहा है, कुछ टॉपिक्स हैं इसको पढ़ा दूँ। अगर टेस्ट के पीछे लगे रह जाऊँगा ना तो बेटा दिक्कत हो जाएगा, है ना, इस वजह से, है ना, इस वजह से मैं सोच रहा था। चलिए तो सारे बच्चे ले लीजिए, है ना, सारे बच्चे ले लीजिए, इसको ले लीजिए। चलिए बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बताओ तुम लोग को क्लियर फोटो आ रहा है या नहीं, आज का फोटो क्लियर है, कैसा लग रहा है फोटो बताओ जल्दी जल्दी, सब लोग बोलो, सबको एक बार मैसेज करो फोटो क्लियर है या नहीं, मैसेज करो क्लियर फोटो है या नहीं दोस्त। अंकित नीतीश राणा, सौरभ कुमार, अमन विश्वकर्मा, यस, जो भी बच्चे हैं, गजेंद्र, गजेंद्र आपको क्वेश्चन मिल गया बेटा, विपुल, विपुल थोड़ा सा ध्यान दो कसकर, मैं तुम पर पढ़ चुका हूँ, कौशल, समीर, अखिल बाबू, अभिषेक, पूजा, बहुत अच्छा अच्छा फोटो आ रहा है, थैंक यू बेटा आप लोग का। मैं देखो क्लास में आप लोग को, मैं आप लोग को क्लास में जितना आदर करता हूँ, डांटता हूँ समझ लो, आदर का मतलब डांट रहा हूँ, एक ही उद्देश्य बेटा कि तुम सुधर जाओ, और तुम में थोड़ा सा जो भी कमियां है वो कमी, मतलब आप मेरिट में कोई भी जरा सा भी दाग ना लगे, स्पॉट ना लगे। तो चलिए मैं रेडी हो जाता हूँ क्वेश्चन वन लेकर के बेटा, तो सबके पास क्वेश्चन है, अपना क्वेश्चन अपना हैंड में ले लो, क्वेश्चन को क्या ले लो, हैंड में, और मैं चाहता हूँ कि क्लियर नंबर वन क्वेश्चन का जवाब दूंगा। सबसे पहले बताने के पहले एक सूचना दे रहा हूँ मैं बेटा, देखो मैं नया बैच खोलने जा रहा हूँ, न्यू बैच दे रहा हूँ, एलेवंथ का नया बैच दे रहा हूँ, एक लास्ट बैच समझो या जो भी समझो, एलेवंथ विथ ट्वेल्थ, तो ये बैच दे रहा हूँ 15 सितंबर से, ग्रुप में दे दिया हूँ मैं मैसेज, ऐसे 15 सितंबर से बैच देने जा रहा हूँ, 15 सितंबर से समय जो है बता दिया गया है क्लास में, पाँच है ना, 5 बजे शाम में, है ना, 5 बजे शाम में मैसेज गया है, तो सभी बच्चों को कह देना कि ये बेसिक से एलेवंथ विथ ट्वेल्थ दोनों टॉपिक की ओर चलेंगे हम लोग, है ना। चलिए आगे मैं बढ़ रहा हूँ, चलिए नंबर वन क्वेश्चन, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबरिंग करते हैं, नंबर वन क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8 संभव तो नीचे तो आ रहा होगा, चलिए जितना आ रहा है उतनी लेना है, 37 का जवाब मेरे को चाहिए बेटा। पहला नंबर है 1 का जवाब, 1 का जवाब क्या दोगे, 1 का क्या आंसर होगा, जल्दी बोलो 1 का आंसर, 1 का आंसर जल्दी दो फटाफट, मुझे 1 का आंसर चाहिए, 1 का आंसर चाहिए मुझे, 1 का आंसर कंप्लीट चाहिए, 1 का आंसर ये शेखर छोटू, और है ना, शेखर है, छोटू है, महतो जी है भाई, अमृत राज, सोनी, सोनू कुमार, अमन विश्वकर्मा, महतो, गजेंद्र, एक का ये टू का है, वेरी नाइस, बट टू का मत बोलो दोस्त, अभी वन चलना है, और वन पर क्लियर कर देना है कंसेप्ट हमको, वन पर हमें क्लियर करना है कंसेप्ट। मोहित शेखर वन, नूरपरी, सचिन, मिहिर, गौतम, प्रवीण, विशाल, सारे बच्चे सबका जवाब मस्त है, आई एम प्राउड ऑफ एवरीबॉडी टू ऑल ऑफ यू जो मेरे पास है। देखो बेटा मैं बताता हूँ, क्लास में जो टीचर बच्चों को दुलारा वो टीचर कभी अच्छा नहीं हो सकता है, मुंह पर बच्चों को दुलाना नहीं चाहिए बेटा, कभी नहीं, मैं पढ़ा हूँ कि कभी भी स्टूडेंट्स को मुंह तक दुलाना नहीं चाहिए, कभी नहीं, मुंह तर बोलना चाहिए तो बहुत अच्छा है जी, नहीं मार्क्स लाएगा तब बोला जाएगा वो अच्छा है, अभी बहुत बाकी है बेटा। तो चलिए वन नंबर दे रहा हूँ, वन का ए आंसर देंगे, कारण क्या है, क्वेश्चन में यूरोपियन है, पूछिए यूरोपियन, और यूरोपियन जो है भवेल साउंड है, यू से बना, यड़ा लबा से बना है, और यड़ा लबा के बारे में ऐसी चर्चा है कि यड़ा लबा होने पर कंसोनेंट साउंड आता है, इसलिए ए लगाया जाता है। तो नंबर टू क्वेश्चन लिया जाए, आइए टू नंबर क्वेश्चन, शेखर, शेखर, यस यस, धमकाना धमकाता, सुरुचि, सुरुचि है, महतो जी है, अगला नंबर टू क्वेश्चन,
टू नंबर क्वेश्चन का जवाब चाहिए, वन नंबर हो गया एक का, ये दो नंबर का जवाब दीजिएगा जल्दी से, दो नंबर का, दो का। लवलीन है, शेखर है, करमवीर है, सोनी है, ये सारे बच्चे मैं पढ़ रहा हूँ, है ना। और अखिलेश है, अमृत राज है, सनी है, छोटू कुमार है, गजेंद्र है, गौतम है, सबका जवाब बिल्कुल राइट। अभी तो आप जवाब दोगे बिल्कुल आर्टिकल में, तुम लोग का बड़ी आसान है क्योंकि मैं पहला पहला टॉपिक आर्टिकल लेता हूँ, तो आर्टिकल तो आसान है तेरे को दोस्त, बिल्कुल आसान है। लवलीन आसान है, अमन गौतम बिल्कुल सही रहना, ओके। चलिए मैं भी बता दूं, रियली में टू का ए होगा, टू का, और ये नहीं जा रही, एक का बी होगा ना जी, एक का बी आंसर है बिकॉज आई एम ए होगा, और टू का ए, टू का ए आंसर है बेटा, ए होगा बिकॉज यहाँ क्वेश्चन है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला भावेल शब्द है, यू एम बी आर ई डबल एल, अम्ब्रेला भावेल शब्द है, क्या है, भावेल शब्द है, और भावेल शब्द के पहले एन का प्रयोग होता है, ऐसा आर्टिकल का बिगिनिंग टॉपिक में ही पढ़ा दिया जाता है, और आपको तो पता है सेकेंड ईयर का सबसे बिगिनिंग पार्ट में आर्टिकल पढ़ाता हूँ, जबकि एलेवंथ का बिगिनिंग पार्ट मैं नाउन से शुरू करता हूँ, है ना, ये मेरा हैबिट रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे नंबर अगला कुमारी आयुषी, कुमारी आयुषी है, और आयुषी है, विशाल है। नंबर थ्री क्वेश्चन का जवाब चाहिए, थ्री और फोर क्वेश्चन मॉडल से लिया गया है, थ्री क्वेश्चन और फोर क्वेश्चन बेटा मॉडल से है, और मॉडल में आपको पढ़ा दिया हूँ, अभी हाल ही मॉडल खत्म किया हूँ मैं, मॉडल भर्व से रिलेट करता है, मॉडल एक्जुल भर्व से तकरीबन दो क्वेश्चन पहले आता था, अभी अगर हंड्रेड देगा तो चार क्वेश्चन बनता है बेटा, तो मॉडल से चार। चलिए तीन नंबर क्वेश्चन का जवाब चाहिए मेरे को, तीन नंबर क्वेश्चन का जवाब चाहिए मेरे को, रिप्लाई थ्री का ए, थ्री का सी, अमन कुमार सी बोल रहा है, गौतम सी बोल रहा है, आयुषी शंकर केमिस्ट्री सर प्रणाम कर रहे हैं, प्रणाम प्रणाम सर, लवलीन है, छोटू कुमार है, मिहिर है, शेखर मेम्स हैं, अमृत राज हैं, छोटू कुमार हैं, यस यस अमृत राज, हिमांशु जी, शेखर, यस यस मिहिर, आकाश गुप्ता सी, सारे बच्चे सी बोल रहे हैं, आखिरकार सी में क्या है जी, चलिए मैं भी देख लूँ, क्वेश्चन मैं देखा नहीं हूँ बेटा, मैं क्वेश्चन मेरे पास तो क्वेश्चन है लेकिन मैं देखा, देखिए डैश डैश आई बोरो योर अम्ब्रेला, डैश डैश आई बोरो योर अम्ब्रेला, क्वेश्चन ये है, डैश डैश आई बोरो योर अम्ब्रेला, ए में है शुड वुड मे माइट, निश्चित तौर पर सी होगा, मे आप अगर आप तिनका सी मार रहे हैं तो निश्चित मे होगा, क्योंकि परमिशन लिया जा रहा है, क्या मैं आपका अम्ब्रेला ले सकता हूँ, क्योंकि बता दिया गया है बेटा, ऐसे तो मे का प्रयोग ऑफिशियली होता है, जैसे कि कोई अफसर के अफसर के ऑफिसर के घुस गए आप चैम्बर में, या कोई स्कूल कोचिंग या डायरेक्टर के पास है कहीं है तो ऑफिशियल होता है, या कॉलेज है, बैंक है, स्कूल है, ये सारे में यूज होते हैं, परंतु यहाँ भी एक परमिशन है, और देखो कैन लगाऊँ तो कैसे, उसके अनुसार मॉडल होना चाहिए ना, तो ए बी सी डी में तो कैन का कोई जगह भी नहीं आ रहा है, इसलिए जो ऑप्शन मिले बेटा उसी को मानना है, आपको दे दे ऑप्शन, आपको लग रहा है यहाँ कैन होना चाहिए, ठीक है मैं मान लेता हूँ कैन होना चाहिए, ठीक है, परंतु ऑप्शन में कैन है, ए बी सी डी में है जी नहीं है, अगर है तो ये सोचा जाएगा, लेकिन जो है उसी में सेलेक्ट करोगे जी, सबको इधर दे देगा बिहार की राजधानी, सबको इधर लिख दिया बिहार की राजधानी डैश 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 लिख दिया, नंबर ए बी सी डी पटना, एगो और पटना जो दिएगा ये ऑप्शन मानेंगे ना, रिलेट करता है जो, तो कहने का मकसद तो समझ गया होगा, विशेष नहीं बोल पाऊंगा बिकॉज में, तो चौथा नंबर ले लो, चौथा नंबर भी मॉडल से जवाब दो, जवाब दो चौथा नंबर का, सोनी, नितीश राणा, आयुषी भारती, अमन विश्वकर्मा, कुमारी आयुषी, सौरभ, सौरभ कुमार, अरे नहीं हो नो सौरभ, नो बेटा, लवलीन, गजेंद्र, शेखर, नो बेटा नो सौरभ, लवलीन, गजेंद्र, चलिए अखिलेश, रोहित, बेटा आगे देखना है, आगे क्या देखना है जरा ध्यान दो, अभी चौथा नंबर का आंसर दे दिया है सब, कैन बोल रहा है और ये बोल रहा है सब, चलिए मैं भी क्वेश्चन देख लूँ, ये बोल रहे हैं भैया कर्मवीर जी, अमृता बोल रही है, और मिहिर है, रोहित है, प्रवीण है, लवलीन है, गौतम है, टिंकू कुमार भी आए हैं, हिमांशु है, कुछ नए बच्चे, विपुल हैं, कौशल है, सुरेंद्र है,
बहुत अच्छा बहुत अच्छा आप लोग को बहुत अच्छा परंतु मुझे क्वेश्चन पर भी जाना है बेटा चार नंबर में मेरे बच्चा डैश डैश है यहां चार में तो देखो ए देना पड़ेगा मेरे बच्चा कैन भरना पड़ेगा कैन बिकॉज आप जानते हो कैन के संदर्भ में मैं पढ़ाया हूं देखो मेरा मुख्य लाइव आने का मकसद वो नहीं है जो तुम्हारा दिमाग में शायद चल रहा होगा मेरा लाइव आने का मकसद है केवल वो कि मैं बच्चा को चैप्टर वाइज जो पढ़ाऊं ना उस पर रूल बता दूं ताकि वो रिविजन कर ले मेरा रूल बताने का मतलब है बस कुछ विशेष नहीं मतलब है ना तो कैन क्यों देंगे कैन के बारे में बताया अगर शक्ति दिखलाना है पावर दिखलाना है एबिलिटी दिखलाना है तो आपको कैन का प्रयोग करना पड़ेगा कैन पावर के यूज होता है इसलिए कैन यहां पावर है वो कैसे मैं प्रूव कर दूंगा देखोगे आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर मैं पार कर सकता हूं तैर कर नदी यानी क्या बोला जा रहा है मैं पार कर सकता हूं तैर कर नदी शक्ति है तब ना तैरने का पावर है तब ना बेटा कह दिया इसलिए कैन का प्रयोग पावर के लिए होता है और मे का प्रयोग पॉसिबिलिटी के लिए होता है पी ओ डबल एस आई बी आई एल आई टी वाई और वो भी 50% की पॉसिबिलिटी होती है चलिए पांच नंबर का सवाल चाहिए पांच नंबर क्वेश्चन देखा जाए फाइव नंबर में क्या है द शॉपकीपर डील प्रीपोजिशन है पांच और छह क्वेश्चन जो है आपका पांच और छह प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन तुम लोग नहीं पढ़े फिर भी तुम लोग ट्राई कर रहे हो करवा रहा हूं मैं बिकॉज अभी इसके बाद प्रीपोजिशन ही आएगा बेटा दो तीन टॉपिक के बाद तुरंत आने वाला है तो यहां ध्यान दो लवलीन आयुषी अखिलेश चौहान सोनी कुमारी चुरुची नीतीश राणा अखिलेश गजेंद्र जी ये बोल रहे हैं अमन विश्वकर्मा भी बोल रहा है ऑन लगाया है गजेंद्र विपुल कुमार भी है करमवीर ये लगाया है लवलीन गजेंद्र आयुष है कौशल है प्रवीण है टिंकू सारे बच्चे को बहुत 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 धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद आकाश गुप्ता काशी तक हैं शेखर मैम है कुमारी आयुषी है करमवीर गौतम गौतम इतना ध्यान देना बेटा जो मैं बता रहा हूँ उसको कंटिन्यू ध्यान देना मैं बताता हूँ पांचवा नंबर का सवाल द कबीरवाज बॉर्न कबीरवाज बॉर्न देखो बॉर्न पांचवा में बॉर्न है और बॉर्न प्रीपोजिशन के बारे में कुछ गूढ़ रहस्य को जान लो पहले प्रीपोजिशन जब बनाना है ना तो कुछ बातों को जानो देखिए जब जब प्रीपोजिशन बनाया जाता है ना तो इसके पहले वाले शब्द पर ध्यान देना पड़ता है कि कौन वर्ड के साथ क्या लगता है जैसे अगर गो के साथ भरना है तो गो देखेंगे तो गो टू आमतौर पर यूज होता है कम है तो कम फ्रॉम आमतौर पर यूज होता है तो कम के साथ फ्रॉम लगा अलग अलग शब्द अलग अलग यूज करते हैं प्रीपोजिशन तो बेटा यहाँ बॉर्न हम देखेंगे बॉर्न के साथ क्या लगाना है मैं देखना चाह रहा हूँ तो आप देखो बॉर्न के साथ कबीरवाज बॉर्न बॉर्न डैश डैश हम्बल पेरेंट्स कबीर का जन्म एकदम विनम्र परिवार में हुआ था कैसा हुआ था कबीर जी का जन्म कहाँ हुआ था भाई तो विनम्र परिवार में तो कहता है आप लोग इन भर रहे हैं और भर रहे हैं देखिएगा डी पांच का डी पांच का ए यहाँ बॉर्न देखो बेटा जब कोई परिवार के संबंध में बताता है तो मूलतः रूप से ऑफ का प्रयोग किया जाता है फैमिली के संबंध में जैसे कि अच्छे परिवार में था ही बॉर्न नोबल फैमिली ऑफ नोबल फैमिली अच्छे परिवार में तो यहाँ आप पांच में ए दोगे बेटा और ऑफ खुशी से लगाओगे ये प्रीपोजिशन आपका करेक्ट हो गया दोस्तों है ना करेक्ट होगा और कुछ कंडीशन आगे भी बताएंगे छठा क्वेश्चन को देखा जाए बेटा छठा छठा का पहले जवाब दो छठा का जवाब दो प्रीपोजिशन तब तक नहीं बनेगा जब तक तुमको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा गहराई में अमन सुरुचि छह का जवाब दो बेटा शेखर लवलीन नीतीश राणा लवलीन सिमरन सिंह रजनीश है नीतीश राणा अमन विश्वकर्मा है रजनीश सी सारे बच्चे कुमारी आयु सी नीतीश राणा जो है सुरुचि सारे बच्चे जो हैं वो कर रहे हैं सी चलिए सी का जवाब मैं दूंगा सी का जवाब मैं दे रहा हूँ अगला क्वेश्चन आप क्या कर रहे हैं जो पूछे हैं छठा का तो छठा के बारे में बता दूं शॉपकीपर डील्स डैश डैश कॉटन एंड क्लोथ दुकानदार व्यापार करता है कॉटन का या क्लोथ का देखिएगा आपको डील के बारे में बता देता हूँ थोड़ा सा देखो डील एक वर्ड है इसके साथ दो प्रीपोजिशन आता है वो इन आता है बेटा और एक आता है विद
इन जाता है व्यापार के लिए, जैसे कि चावल का व्यापार करता है, कॉटन का व्यापार करता है, तो अति आपका कोई सामान का ईंट का व्यापार करता है, तो व्यापार की जब बात होगा तो इन का प्रयोग होगा, सौदा करना, व्यापार करना में। लेकिन जब व्यापार डील के साथ व्यापार की बात नहीं हो, जैसे कि वो दुकान देता है, वो मोबाइल का व्यापार करता है, या कोई पेट्रोल का व्यापार करता है, या चावल का व्यापार करता है, सौदा करता है, दुकानदारी करता है, तो इन लगता है। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि अगर व्यापार करता है तो व्यापार नहीं बल्कि व्यवहार करता है, स्वभाव उसके साथ पटता है, नहीं बोलते हैं कि भाई संतोष सर को उनके साथ है दोस्ती, या आपको गजेंद्र को दोस्ती है गणेश से, है ना। तो आप गौर करो, गजेंद्र को गणेश से दोस्ती नहीं, उससे पटता है दूसरे में, बड़ा व्यवहार आदान प्रदान होता है सही से। तो इसमें वित्त लगाना चाहिए बेटा, क्या लगाना चाहिए, वित्त। तो यहाँ वित्त का ऑप्शन नहीं है, यानी ये वित्त का ऑप्शन यहाँ नहीं है, राइस था, कॉटन था। तो छठा में प्रीपोजिशन में ए लगाना आपको लाजिम होगा, आप ए लगाओ, प्रीपोजिशन आपका बेहतर भरा गया बेटा, है ना। ये आपको याद रखना कि परीक्षा में जो बढ़े बेटा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 2022 में अगर ये एग्जाम में नहीं आया, देख लेना एक क्वेश्चन टच करेगा, चाहे आर्ट्स में हो, इस चैप्टर से, केवल डील से, डील से। चूंकि डील और डाई दो ऐसे शब्द हैं जो प्रीपोजिशन हमेशा आते रहता है, प्लस टू में आवे, आपको आवे साइंस में आवे, या आर्ट्स वाला में आवे, या नहीं आना है क्वेश्चन में। चलिए चलिए, लवलीन है, आगे बढ़ रहे हैं बेटा आप लोग, चलो सब क्लियर करते जाओ, आगे बढ़ रहा हूं मैं। अभी कोमल सेवन नंबर पर आया हूं और सेवन नंबर क्वेश्चन दमदार है। सेवन और एट क्वेश्चन जो है ना बेटा, वो है कॉम्बिनेशन से, किससे है, कॉम्बिनेशन से रहता है। देखो एक गौर करना, आपके एग्जाम में कॉम्बिनेशन से भी दो से तीन क्वेश्चन दे देता है, ज्वाइंट करवाता है, जैसे दो सेंटेंस दे देगा, आप कहेगा जोड़ो, दो सेंटेंस देगा आप बोलेगा जोड़ो, तो सोचो पहले दिमाग में कि दो सेंटेंस जोड़ोगे जी तो सही जोड़ोगे जी, कहने का मकसद तुमको कुछ जोड़ने दे दिए तो क्या करोगे, आप ऐसे चिपका दोगे कि मिलाकर जोड़ोगे, कि हिंदी भी सही होना चाहिए, भाव भी सही निकलना चाहिए। तो कॉम्बिनेशन एक टॉपिक है जिसको आपको पढ़ाऊंगा मैं डिटेल से, आप इधर ध्यान देना। अभी फिलहाल सात का और आज के बारे में आप लोग ऑप्शन दीजिए जरा सा, तो सात का क्या बोल रहे हैं मैं पढ़ा नहीं, प्लीज एक बार फिर से जवाब दो। अभिषेक, गौतम, प्रवीण, अनमोल, सात का बी, नूर परी बोल रही है सात का ए, लवलीन बी, परी बी ए बोल रही है, छोटू कुमार बी बोल रहा है, सुरुचि, गजेंद्र, मुस्कान, टिंकू, आकाश गुप्ता, अमन विश्वकर्मा, राजकुमार, अमन, गजेंद्र, बहुत अच्छा, सबका ए है, कुछ बी है, मिहिर का बी है, और अखिलेश चौहान का ए है, और सौरभ सूर्यवंशी, नाम ले रहा हूँ सौरभ जी, शेखर, कोमल कुमारी, चलिए चलिए बहुत अच्छा। मैं भी अपना मत, अपना ओपिनियन दे ही देता हूँ। देखो बेटा ये क्वेश्चन जो आपके पास समक्ष आया हुआ है, क्वेश्चन है ही वाज पनिश्ड, उसे दंडित किया गया था, इट वाज राइट, सही था, दंडित उसे किया गया, किसी के द्वारा दंडित किया गया, और सही में दंडित किया गया है। तो आप इसको बी का जवाब दोगे, सेवन का बी जो दिए हैं, एक्सलेंट हुआ है, सेवन का बी दीजिए और राइट हो गया। चलिए एट नंबर का जवाब चाहिए मेरे को, रिप्लाई क्वेश्चन नंबर एट, हे गाइस रिप्लाई क्वेश्चन नंबर एट, अभिषेक ईश्वरगंज ऑफिशियल। चलिए, बड़ा आपका तरबूज मीठा लग रहा है, अभी तरबूज का सीजन नहीं है दोस्त, अभिषेक कुछ और खिला दो। सुरेंद्र, महतो जी, सारे बच्चे, करमवीर, लवलीन, आज के बी, छोटू कुमार, ये चलिए आज के, देखो छोटू आप जब भी लिखो ना तो आठ एट नंबर लिख करके मारो बेटा, ताकि पता चले किसका तू आंसर दे रहे हो, है ना, आठ एट नंबर। रजनीर गौतम, करमवीर है, हिमांशु है, अमन है, शेखर मेम है, शेखर सुमन है, आठ का सी बोल रहा है। तो चलिए मैं आठ का सी पर चर्चा कर ही लेता हूँ, कैसे दे रहे हो आठ, देखो सात और आठ दोनों कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन मतलब हो गया आपको जोड़ने वाला, दो सेंटेंस को दो नंबर देता है, ऐसे मैं दो ही, ऐसे तो ज्यादा दे सकता है परीक्षा में, चार भी टच करेगा, चूंकि सौ ऑब्जेक्टिव आएगा तो चार को कम देना नहीं चाहिए।
है ना। तो ही वर्क हार्ड, ही फेल टायर्ड, कहता है वह कठिन मेहनत किया वह थक गया। देखो क्या कर रहा है, वह कठिन मेहनत करता है तो थक, इसीलिए थकता है, थक गया। तो इसमें सो का यूज होने का अमूमन चीज बनता है, क्योंकि जो जोड़ने में जो मददगार होता है कंजक्शन, वो सो का यूज है। तो इसमें आज का मैं ये दूंगा और कंसेप्ट राइट होगा मेरा बेटा, कंसेप्ट राइट होगा आज का ये। चलिए आज का ये, अभी नौ नौ का जवाब चाहिए मेरे को, नाइन नंबर क्वेश्चन का रिप्लाई चाहिए। चलिए जल्दी करो, नौ नंबर, नाइन नाइन लिख दो, नाइन लिख दो। अमृतराज छोटू, रजनीश सिंह, अमृत है, अमन है, जवाब दे बेटा नाइन का डी, नाइन का डी बोला है अमन विश्वकर्मा। चलिए अमन बाबू, अमन याद है ना क्लास में पिटम्बस, चलो मेहनत करो, तू तो भाई बंदा अच्छा, लेकिन कभी कभी इंटरेस्ट लेता है, तो मैं भी ले लेता हूँ इंटरेस्ट कभी कभी बच्चों के साथ ना। छोटू, अमन विश्वकर्मा, गौतम, राजू, हिमांशु, अभिषेक, ईश्वर, आकाश, आयुषी, गौतम, सुरेंद्र, विपुल, ध्यान दो विपुल, विपुल नौमा का जवाब तुम्हें नहीं होगा, नौमा का जवाब मुझे लगता है तुम लोग नहीं दे पाओगे। नौमा का डी, नौ का ए बोलता है कोई, टिंकू बोल रहा है डी, डी कंटिन्यू, गजेंद्र भारती कंटिन्यू बोल रहे हैं, अमन विश्वकर्मा ये, आयुष भारती, साइनो है बेटा, साइनो हल्का मिलेगा तो जाएगा, साइनो नहीं है, फ्रेजल भर्व है, फ्रेजल भर्व है, नौ और दस, नौ और दस फ्रेजल भर्व है, उसको जो करेगा नौ दस। अभिषेक, अमन विश्वकर्मा, करमवीर, हिमांशु, अखिलेश, नीतीश राणा, राजीव रंजन, हिमांशु, महतो जी, हाँ सामरी में मजा आएगा, अमृत, आकाश। चलिए मैं चर्चा करता हूँ, एक क्वेश्चन चर्चा करने का विषय है, ध्यान से सुनना, मैंने सबका नाम पढ़ लिया, अभी लेक्चर भी मेरा सुन लो बेटा। नाइन नंबर को मिटा रहा हूँ मैं, और फिर मैं लेक्चर दूंगा इस पर, नाइन नंबर में लेक्चर चाहिए थोड़ा सा, अभी मैं जितना भी एम तो सैन दूंगा ना, उस पर थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ, चूंकि ज्ञान लो ही थोड़ा सा बेहतर हुआ, चूंकि अभी एक दो दिन डिस्टर्ब थे, अब लेकिन अब लीजर में आ गया हूँ मैं, और पूरी डिवोटी हो गया हूँ मैं लाइफ के प्रति, है ना। तो देखिएगा नाइन नंबर में है क्वेश्चन, ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक, जहां तक मैं ड्रॉबैक के बारे में जानता हूँ, जो रियल मीनिंग है ड्रॉबैक का, तो ड्रॉबैक का मतलब होता है कमी, कमी का मतलब पॉजिटिव, अभाव, है ना, या पीछे हटना घटना का विशेष आता है, कमना, तो एक कमी का भाव है कमी, और कमी का ये सिमिलर मीनिंग मांग रहा है, ए और बी और सी और डी मान के चलो। तो इसमें कमी की जब बात करता हूं तो ए में है रिसीड, रिसीड, रिसीड मतलब गिरना होता है, किसी में कमी हो जाना, सेंस रिसीड आंसर होगा, मैं बताता हूं। अगला देखोगे सबमिट, सबमिट, सबमिट मतलब होता है क्या, प्रस्तुति, प्रस्तुत करना, नहीं बोला मैंने सबमिट कर दिया कागज, है ना, इसी मतलब होता है कमना, इसका भी होता है कमना, कमी, है ना। और ये अगला है देखो चलो, ओकर, ओकर, ओ डबल सी यू आर, ओकर मतलब होता है घटित होना, घटित होना, आप जानोगे। चलिए और एक और है कंटिन्यू, कंटिन्यू मतलब होता है लगातार जारी रहना, जैसे कि मैं लाइफ को कंटिन्यू रखूंगा, लगातार जारी रखूंगा, जारी को कंटिन्यू। अब देखिएगा ड्रॉबैक मतलब कमी और इश्यू मतलब कमी, तो ये सब मैं इतने हो रहा है, तो नौमा का ही क्या मारूंगा मैं आंसर, नौमा का ए मारना अमूमन बन जाता है। तो चलिए नाइन का आंसर ए दिया मैं, चलिए और ड्रॉबैक मतलब कमी, तो ये मीनिंग भी आप देखो याद कर बेटा, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसका काम करेगा आपको। चलिए अभी अगला दसवां नंबर पर लग जाओ, चलिए दसवां नंबर का जवाब चाहिए पहले सुनो, चलो दसवां नंबर, टेन नंबर क्वेश्चन का रिप्लाई चाहिए, टेन नंबर क्वेश्चन का रिप्लाई चाहिए, टेन नंबर क्वेश्चन लिख करके, टेन नंबर, टेन नंबर लिख करके देख लो अच्छा से, गौर कर लेना, टेन नंबर क्वेश्चन, टेन नंबर क्वेश्चन, मीनिंग वाला को थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मीनिंग का बड़ा वैल्यू है ग्रामर में। देखो मीनिंग तुमसे बने चाहे नहीं बने, लेकिन मैं तो बनवाऊंगा ना, क्योंकि एग्जाम में आएगा, हाँ थोड़ा सा लगेगा। देखो टेन नंबर क्या है, आइए जो बच्चा दे रहा है मैं उनको देखना चाहूंगा, दसवां
का दी है, पवन है, प्रवीण बोल रहा है, आयुष बोल रहा है, अंशुमन बोल रहा है, सुरुचि बोल रही है, बहुत अच्छा, गौतम जी 10 का बी बोल रहे हैं, शेखर ए बोल रहा है 10 का, अभिषेक है ए, लवलीन ए, गौतम बी बोल रहा है। चलिए करमवीर भी बी बोल रहा है और शेखर सुमन ए बोल रहे हैं, करमवीर बी। चलिए करमवीर जी, अमन विश्वकर्मा हिमांशु, चलिए जरा मेरा भी लेक्चर सुन लो बेटा, यू लिसन माय लेक्चर प्लीज, थोड़ा सा वेट करो, मैं नाम पढ़ता हूँ, आपको नाम से थोड़ा सा अच्छा लगता है ना, तो मैं भी चाहता हूँ नाम पढ़ो बच्चों को, लेकिन थोड़ा सा चर्चा भी करना है, टॉपिक खींचना चाहिए बेटा, एक घंटा में मारना है सब। गिव अप, गिव अप, गिव अप मतलब होता है छोड़ना। देखिए बुरी चीज जब छोड़ता है ना, जैसे मैं शराब छोड़ दिया, मैं धूम्रपान छोड़ दिया, आई गिव अप स्मोकिंग, मैं शराब पीना छोड़ दिया, आई गिव अप ड्रिंकिंग, है ना, तो ये सारे बुरी चीज को छोड़ने के लिए गिव अप या गिव अप का यूज होता है ना। जब जब बुरी चीज छोड़ेंगे, आनी लत आदत, बुरी चीज छोड़ना, गिव अप तो छोड़ना, त्यागना, क्या होता है त्यागना या छोड़ना, है ना, और वो भी बुरा चीज छोड़ना। अब ये इसमें ए है, इसमें बी है, सी है और डी है, देखो केवल इस मीनिंग को हम चर्चा करेंगे कस के, बाकी को हम आंसर बोलते चले जाएंगे, फट से हो जाएंगे, है ना। तो यहां देखो गिव अप त्यागना छोड़ना, ए में है सरेंडर, क्या है सरेंडर है, बी में है आपका ट्रांसफर, आपका कंटिन्यू हो गया, सप्रेस हो गया, कंटिन्यू सप्रेस, है ना, सप्रेस हो गया। देखो सबका हिंदी जान लोगे, सरेंडर मतलब होता है आत्म आत्मसमर्पण करना, समर्पण करना, आत्मसमर्पण करना हो गया। ट्रांसफर मतलब होता है बदली हो जाना, ना तो फलनमा के नौकरिया बदली हो गया, है ना, ट्रांसफर हो गया, बदली होना, है ना। कंटिन्यू मतलब फिर वही जारी या लगातार, और सप्रेस मतलब होता है कुचल देना, कुचल देना, दबा देना, जैसे ना बोलता है कि भैया उसकी आवाज को दबा दिया, तुम लोग क्या करते हो जब बच्चा क्वेश्चन पूछता है ना, तो क्या करते हो उसके बात को दबा देते हो, कुछ चुप 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 करके दबा देते हो, कुचल दिया कि कहीं कहीं उस बात को दबा दिया गया, तो इसे बोलते हैं दबा देना, यानी सप्रेस करना, सुप्रेस का मतलब होता है दबाना और सप्रेस का मतलब सिमिलर आ जाता है, तो किसी मुद्दा को दबा दिया, किसी बात को दबा दिया, है ना, बहुत सारे। तो आप गौर करना, छोड़ना में क्या हो, आत्मसमर्पण की बात आ रहा है, जीव अपना तो छोड़ना और सरेंडर मतलब भी छोड़ देना होता है, कुछ छोड़िए दिया भाई, जैसे अंगुली माल डाकू था तो बुद्ध भगवान के सामने सरेंडर कर दिया कि भाई है ना भगवान तथागत में, और भी है क्रिमिनल है तो आतंकवादी है तो डकैत है, तो सरकार के सामने सरेंडर बोल दिया, तो त्याग दिया ना भाई अपना कर्म को, अपराध तत्व को खराब कर, खत्म कर दिया। तो इसे कहते हैं मेरे बच्चे गिव अप मत, त्यागना, 10 का भी यही आंसर आएगा बेटा, इसको भी आप क्लियर करके लिख लो बेटा, ये काम आने वाला है आपको, क्योंकि ये बहुत टारगेटेड क्वेश्चन है। चलिए दसवां के बाद बेटा मैं लिख लेना, दसवां के बाद 11वां नंबर में दे रहा हूं, चलिए 11वां नंबर क्या लेते हैं, कैसे क्या करते हैं, 11वां नंबर आप क्या कर रहे हैं, 11वें नंबर क्वेश्चन को देख लिया जाए, क्या है आपका जवाब, मैं पहले देखूंगा फिर मैं अपना ओपिनियन दूंगा, है ना, है ना, फिर मैं अपना ओपिनियन दूंगा। कोमल है बेटा, कोमल 11 बोलो बेटा, 11 नंबर बोलो, कोमल 11 नंबर बोलो बेटा, चूज द करेक्ट सेंटेंस, इसमें ज्यादा बकवास करने का चीज ही नहीं है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, ग्रामेटिकली मिस्टेक्स है, अब तुम लोग समझदार हो, इतना तो जरूर हो कि सिंपल सा एकदम बहुत आसान सा है, पढ़ चुके हो तुम लोग। पहला है वेयर यू वॉचिंग द मैच, चलिए दूसरा है डू यू वॉचिंग द मैच, तो भाई बी में डू वॉचिंग के साथ, डू के साथ बिफोर आता है, सी में हैव यू वॉचिंग, हैव के साथ बिफोर आता है, वॉचिंग आएगा, डिड के साथ बी थ्री तो बिफोर आता है, बी सी डी तो होगा नहीं, तो 11 का, अरे 11 का सोच के बोलो, बी बोल रहा है, 11 का सोच के बोलो, 11 का सोच के बोलो सारे बच्चे, माय गॉड, 11 का सोच के बोलो बेटा, ए हिमांशु, शेखर, अमन विश्वकर्मा, पवन, अमृतराज, कौशल, हिमांशु,
अमृतराज शेखर ए शेखर ए अखिलेश चौहान डी नीतीश राणा अंशुमन कार्तिक कार्तिक जी लवलीन। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ने दे बेटा, क्वेश्चन को रफ्तार करेंगे। मैं क्वेश्चन देखा आपका, मैं बता देता हूँ तुम लोग कैसे बना रहे हो। चूज द करेक्ट सेंटेंस ए बी सी डी को देखो पहले से। कह रहा है वर यू वॉचिंग द मैच, वर यू वॉचिंग द मैच, वॉच बेयर के बाद तो भी फोर एवे करता है तो ठीक तो है, तो एक का ये होगा जी। बताइए दूसरा में बी में है, बी में क्या है देखो पहले, डू यू वॉचिंग द मैच, डू के साथ बिफोर आएगा जी बताओ तो, हैव वॉचिंग हैव के बाद बिफोर आएगा बताओ, डीड के बाद, तो यहाँ 11 का ये नंबर मिलेगा। 11 का ए बोलेंगे और साफ बोल देते हैं लिख करके, वर यू वॉचिंग द मैच क्वेश्चन होगा, वर यू वॉचिंग, यस 11 में 12, अब 12 का आंसर हो जल्दी से। चलो 12, 12 नंबर दो जवाब, ओके पवन कोमल, अब 12 जवाब दो, 12 का जवाब दो बेटा, 12 नंबर पढ़ रहा हूं मैं आपका, 12 का बी है अमन बोल रहा है, अमृतराज 11 में लगा हुआ है अमृत, 12 का बी शेखर सुमन भी बोल रहे हैं, अमृतराज भी, 12 का बी, दोनों गलती है, दोनों एक चीज है, 12 का बी बहुत अच्छा। आप 12 का बी आप लोग जो बना रहे हैं, करमवीर बी बना रहे हैं, करमवीर अरे यार तुम्हारा 12 भी गलती बना रहे हैं तुम लोग, क्या दोस्त 12 का भी तुम गलत बना रहे हैं दोस्त, 12 का जी हाँ आप लोग सही बनाए, 12 का बी होगा बेटा, 12 का बी होगा, मैं यूं ही बोल रहा था 12 का बी होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपके पास है कि डू दे लाफ एट यू, क्या वे लोग आप पर हंसते हैं, ए में है डज तो दे के साथ डज में रहेगा, डज के साथ दे है बी में भी है, अभी दो दो है जी, बी दो लिखा गया टाइप हो गया, तो प्रथम वाला बी लेना है, ए बी है ना, चलिए प्रथम वाला लिख देता हूँ, डू दे लाफ एट यू, डू लिख देता हूँ, डू दे लाफ एट यू, यस नाइस। 13 नंबर क्वेश्चन का जवाब चाहिए आप लोग से, 13 नंबर का जवाब जल्दी से, 13 नंबर, चलिए 13 में सिंटेक्स से बेटा, 13 नंबर क्वेश्चन सिंटेक्स से बिलोंग कर रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन सिंटेक्स से। लवलीन रजनीश अमृत सुरुचि कहाँ गया जी, विपुल कौशल कहाँ गया, अमृत अमन 13 का जवाब ये दे रहा है अमन, अरे अमन है तो तुम्हें दम जरूर, 13 का अमन बोल रहा है ये होगा, दम है अमन, अभी तुम्हारा चमड़िया छुड़ाता हूँ मैं क्लास में, अभी तो हो नहीं, 13 का शेखर आकाश गुप्ता गौतम नीतीश राणा महतो जी, अरे यार इसके जवाब मैं दूंगा बी, 13 का बी, बहुत सारे बच्चे बी हैं, कोई डी है, कोई सी है, मन भर है तरह तरह के, नीतीश राणा डी बोलता है, मुझे बहुत अफसोस है, मुझे इतना अफसोस है अपने कर्म पर कि मेरा बच्चा संभवतः सिंटेक्स हो चुका है, सिंटेक्स का अभ्यास मैं करवाऊंगा, अभी करवा देता हूँ, देख बेटा 13 का बी ही होगा, 13 का बी होगा, और ये बताता हूँ क्यों, हम चर्चा किए हैं ए नंबर ऑफ के साथ हमेशा प्लुरल वर्ब आता है जान लेना, और द नंबर ऑफ के बाद हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, याद रखना प्लुरल वर्ब का मतलब आर और सिंगुलर का मतलब इज दोस्त, है ना, देख लेना, कहने का मकसद ए नंबर है और ये नंबर में प्लुरल वर्ब आएगा, 13 का बी बहुत अच्छा, 13 का बी आप लोग लिखा है, जो जो 13 का बी लिखे हैं उनको थैंक यू, करमवीर लिखा है, नीतीश राणा डी दिए हैं, अमृतराज बी लिखे हैं, लवलीन ये सर बोल रहा है बहुत अच्छा, करमवीर है वेरी नाइस। अगला बढ़ता हूँ बेटा, अब बुक पर आ जाऊँगा, बहुत अच्छा है, 14 नंबर आ रहा हूँ, 14 में है आपका वही सिंटेक्स है, 14 नंबर का मतलब सिंटेक्स है, ध्यान देना 14 भी सिंटेक्स है, तो वक्त 14 का क्या भर रहे हो तुम लोग, जल्दी भरो 14 का,
14 का जवाब, 14 का जवाब चाहिए हमें। गजेंद्र बोला एम होगा, एम होगा किसके वजह से गजेंद्र? गौतम, सुरेंद्र, कोमल कुमारी, प्रवीण, 14 का ये बोल रहा है, मैं भी देखता हूँ। बहुत अच्छा, 14 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये आई के वजह से एम लगेगा, कुछ तो है नहीं, तो 14 का आराम से हम दे देंगे ए, और ये का मतलब हो जाएगा यहाँ एम, चूंकि आई आ गया है। 14 नंबर क्वेश्चन 14 क्लियर हो गया। अब 15 में आ जाता हूँ। चलिए 15 क्वेश्चन को मैं कुछ विशेष करके बता रहा हूँ। मैं 15 में क्या है, 15 और 16 डिक्टेशन है बेटा, 15 और 16 क्या है, डिक्टेशन है। क्या है 15 और 16 आपका डिक्टेशन है, उतारने वाला सवाल क्लियर है, 15 और 16। चलिए 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, चलिए तो 15 में हमारा बच्चा 15 का जवाब, 15 का सोल्जर है, तो सोल्जर का स्पेलिंग है, निकाल लो SOLDIER, सोल्जर SOLDIER, सिंपल सा है, सिपाही का ये मीनिंग है, और याद रखना सोल्जर मतलब होता कंधा, SHOULDER कंधा होता है इंसान का, तो ये अलग है, ये अलग है, ये आपका ये होगा, इसका दो दो आंसर सही लगता है ना, सोल्जर हो गया वो आपका सोल्जर, यानी 15 का ये बोल सकता हूँ, 15 का ए, 15 का आंसर क्या होगा ए। चलिए 16 का जवाब मैं दूंगा अभी, 16 नंबर, 16 का जवाब आप लोग समय देना चाहता, स्पेलिंग लिखो तुम लोग सब, कमेंट का स्पेलिंग लिखो। एम को राय बोल रहे हैं, चलिए एम को राय जी आपको धन्यवाद, मेरा बच्चा, मेरे दोस्त जो भी हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं, क्या हैं, सबको नमस्ते प्रणाम। पवन जी कमेटी का गजेंद्र स्पेलिंग लिख दिया है, कमेटी का सारा बच्चा कमेटी का, तो स्पेलिंग लिखो पहले, कमेटी का शुद्ध स्पेलिंग लिख के बताओ, कमेटी का स्पेलिंग, कमेटी देखने में लग रहा है लेकिन बहुत दमदार है, प्रवीण है, गौतम है, सुरेंद्र है, रजनीश है, सुरुचि है, इतुराज है, अनन मयंक है, मयंक जी हैं, गौतम है, करमवीर है, करमवीर एंटो साइनो मैं बनाऊंगा बेटा, लाइव में आके एंटो दूंगा मैं, लाइव में एंटो करवाऊंगा मैं और साइनो, मेरा इच्छा यही है, अभी 15-20 को सेट जाने दो तो मैं सोचूंगा, निर्णय लूंगा, क्योंकि एक साधे सब साधे, सब साधे सब जाए कमेटी। चलिए कमेटी देखिएगा, कमेटी का COMMITTEE, देखो दो गो टी होता है कमेटी, और कमेटी जो मीनिंग है बहुत फेमस है दोस्त, बहुत फेमस है बताता हूँ मैं, बहुत फेमस, फेमस का मतलब हुआ ना बहुत प्रचलित है, कन्फ्यूज बहुत ज़्यादा करता है लोग। चलिए आप कमेटी का स्पेलिंग, गौतम है 16 कमेटी लिखा है, गौतम भी, नीतीश राणा भी सही लिखा है, आकाश गुप्ता भी, मिस स्पेल्ट में फंसोगे एग्जाम में, मिस स्पेल्ट बहुत मायना है यार, याद रखना तुम लोग नवादा में विशेष तौर पर ऐसे करते हो बेटा, जब कंपटीशन में कूदोगे ना मेरा दोस्त, याद करोगे संतोष सर को, तुम ही बोलोगे मिस स्पेल्ट कितना मायना है, शायद हम संतोष सर की बात माने होते, मिस स्पेल्ट रखते हम, मीनिंग रखते। चलिए सर कीबोर्ड पे स्पेलिंग लिखता, अरे हाँ यार सही बोला यार, हाँ जब लिखता होगा तो अपने आप कमेटी आ जाता होगा, यार यार बिल्कुल राइट, मिस स्पेल्ट तो तुम लोग बनाइए लोगे जो नहीं जानता है सो भी। चलिए 17 जवाब दो, चलो टाइम ले लेंगे, 17 जवाब दो, 17 नंबर, बहुत जल्दी 20 पर आने वाला हूँ आधा पर, 17 पेट्रोनेज है, मैं समझाऊंगा जरा सा, 17 जो है ना पेट्रोनेज है, पेट्रोनेज है 17 में है क्वेश्चन, पेट्रोनेज PETRONEZ, और पेट्रोनेज ए बी और सी और डी है, संभवतः दिखाई दे रहा होगा पेट्रोनेज, यहाँ तो दे दिए बेटा कंप्लीटली साइनोनिम्स बता रहा है, ए में सपोर्ट है, सपोर्ट है, बी, बी में क्या है बेटा देख लो, डीलिंग्स है, मैं करवा दूंगा एक घंटा में डीलिंग्स, बी, सी में है आपका डोनेशन, डोनेशन, और डी में स्पायोनेज, स्पायोनेज। दोस्त पेट्रोनेज मतलब जानते क्या होता है, यहाँ देखो पेट्रोनेज का बहुत अलग है लेकिन यहाँ जो यूज कर रहा हूं मैं बता रहा हूं मैं, देखो स्पायोनेज मतलब होता है जासूसी, जासूसी,
देखते हो जरा सुशी करता है किसी का डोनेशन मतलब होता है दान 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 जो देता है चंदा होता है डीलिंग मतलब होता है व्यवहार व्यवहार विचार यानी डीलिंग सपोर्ट मतलब होता है सहयोग सहायता क्या होता है सहायता और पेट्रोनेज मतलब होता है सहायता मदद तो गौर करना ये आपका 17 का क्या होगा बताओ जल्दी से 17 का क्या होगा जल्दी बताओ 17 का क्या होगा जल्दी आंसर लिखो साहब 17 का ये शेखर कोमल बोल रही है 17 बोले बेटा कोमल 15 में हो लटकल रहे अभी 17 का ये कोमल तुम लोग कहाँ रहती हो अरे गीत गा रही हो रे वो जितिया वाला जितिया की तीजिया कहाँ है वो है ना गीत गा रहा है सब लगता है सपोर्ट ये सारे बच्चे रजनीश अंशुमन भी है प्रवीण है आकाश गुप्ता है सपोर्ट यस बेटा पेट्रोनस का सेनोनिम्स होगा पेट्रोनस का सपोर्ट होगा हेल्प होगा सहयोग होगा ये बेटा आप ये आपका मारो 17 का ये मार जो भी आपका करेक्ट होगा देखो जो लिखने का जरूरत पड़ेगा मैं लिख दूंगा है ना पक्का टाइम लगेगा लेकिन लिख दूंगा मैं चलो 17 के बाद 18वां नंबर का जवाब लिखो तब तक मैं मिटा देता हूँ 18वां नंबर का जवाब लिखिए आप लोग तब तक मैं मिटा देता हूँ 18वां नंबर का जवाब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 रिप्लाई मी अगला है आर्म्स आर्म्स है 18वां में आर्म्स आर्म्स ऐसे नाउन सब है और नाउन में पढ़े होंगे आर्म्स मतलब ऐसे भीख हम पढ़ाए थे आर्म्स आर्म्स का मतलब होता है भीख या दान या चंदा बोल सकते हैं इसको चंदा भी कहा जाता है या खैरात भी कहते हैं क्या बोलते हैं नहीं बोलते खैरात कहे की खैरात खैरात बटल लेता है ना ये कहने का मकसद कि यहाँ बता दिया मैंने सुरुचि लवलीन है ए पापा बोल हम पूरा बनाए सर चलिए नाम तो ये कगो चुन के रखता है इन लोग थैंक यू पियूष हाँ पियूष थैंक यू एक किताब चले गया था आपका एगो आज मांग के ये सर प्लस टू का किताब चाहिए थैंक यू आम्स इसका आंसर ये और बी और सी दो क्या देते हो मैं बताता हूं पहला है ब्लेसिंग्स और दूसरा है आपका ब्लेसिंग्स के बाद है आपका चैरिटी देखिए चैरिटी मतलब दान होता है खैरा बस सेम मैच हो गए चैरिटी नहीं होता है चैरिटी बिगन्स फ्रॉम होम दान घर से शुरू होती है वेल्थ चलिए आपका है वर्शिप ब्लेसिंग्स मतलब होता है वरदान वरदान क्या होता है वरदान चैरिटी मतलब होता है दान या खैरा क्या होता है दान या खैरा चंदा डोनेशन से मिली वेल्थ मतलब धन संपत्ति मैं मीनिंग बता रहा हूं वर्षी मतलब होता है पूजा करना ये भर्म के तौर पर है तो यहाँ भी खैरात और यहाँ भी खैरात तो भी होगा ना 18 का भी हुआ ना 18 का भी हुआ नहीं चलिए 18 का भी हो गया चलिए 19 बस दो तीन को बनेगा फिर तो फटफट उड़ेगा हम लोग का है ना फिर बुक चलाएगा तो तुम लोग तो उड़ते हो बुक में चलिए 18 और 19 19 18 19 पर चल कर नो 18 तो हो गया 19 और 20 पर चर्चा होगा 19 और 20 चलिए 19 20 का जवाब एक बार तुम लोग नहीं दो 19 का जवाब दो पहले सुनो और 19 का हिंदी क्या है बता पहले तुम लोग अगर हो सकता है तो 19 का हिंदी बता दो 19 का हिंदी कौन बोलेगा भाई 19 का हिंदी अमृत राज अनमोल अखिलेश भी बोल रहे हैं अखिलेश चौहान भी बोल रहे हैं आकाश जी आकाश गुप्ता काशीचक ए बेट का हिंदी सर हम बता देते हैं गजेंद्र भारती हैं 19 का रिस्क बोल रहे हैं कोमल कुमारी सी बोल रही है अरे बेटा कोमल तू 17 में ही अभी पढ़ी हो रे अरे बेटा अभी 19 जा रहा है बेटा 19 पढ़ चुका हूँ 19 गजेंद्र है इंद्रजीत है क्वेश्चन रिस्क रजनी से अनमोल क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ कोमल कुमारी 17 अरे 19 को देखो 19 को है ना
एबेट 19 नंबर क्वेश्चन देखो 19 का मतलब एबेट, एबेट का मतलब क्या है, बहकाना या किसी को गलत रास्ता पर है ना बढ़ावा देना कर सकते हैं, बढ़ावा देना वो भी कोई गलत काम के लिए बढ़ावा देना। देखो बढ़ावा तो दो तरह देता है, एक वो प्रॉम्प्ट होता है, हमने कल पढ़ाया था प्रॉम्प्टली, तो वो भी बढ़ावा देना होता है, लेकिन अच्छे काम के लिए बढ़ावा देना को प्रॉम्प्टली बोलते हैं प्रॉम्प्ट, लेकिन बुरे काम के बढ़ावा के लिए बोला जाता है एबेट। क्या होता है एबेट, ए बी ई, ए नंबर और बी नंबर और सी नंबर और डी, ये चार क्वेश्चन का जवाब चाहिए आप लोगों को। पहला है ए, दूसरा है आपका रिस्क, तीसरा है आपका पैसिफायर, चौथा नंबर है आपका प्रिवेंट, और ये आपका है एंटो। क्या है एंटो, है उल्टा, क्या है उल्टा करना है। अब उल्टा कब, बढ़ावा देने का उल्टा रोकना होगा, रोकना नहीं बोलता है, हम रोक दिए यानी बुरा काम करने से मना कर दिया, रोक दिया, बढ़ावा नहीं दिया बल्कि उसको रोक दिया है ना। तो एबेट का आपका कंप्लीटली प्रिवेंट होगा, एबेट का प्रिवेंट होगा बेटा। एड मतलब होता है सहायता, एड रिस्क मतलब होता है खतरा, और पैसिफाई मतलब होता है शांत हो जाना, किसी स्थिति में शांत, शांति, शांत मतलब परेशानी में रहे और उसको शांति मिले, मन शांत होता। तो एबेट हो गया आपका, ए आपका एबेट के बाद 20वां नंबर है और ये सीडेट है, क्या है सीडेट। तो चलिए 20वां का जवाब आप लोग तो कम से कम दो, 20वां का तो जवाब दो बेटा, 20 का डी होगा, बोल रहा है 20 का डी बोल रहा है, परी 20 का डी बोल रही है, सौरभ कुमार डी बोल रहे हैं, सुरुचि 20 का सीडेट है, सीडेट है ना, सीडेट क्वेश्चन है, सीडेट है, एडिक्टेड है, सीडेट सीडेट, और ए बी सी और डी सीडेट। तो सीडेट का, सीडेट क्या होता है, सीडेट का होता है कैंटो सीडेट। अब सीडेट का मतलब तो आपको एडिक्टेड, देखो ए है एडिक्टेड, फिर है आपका एक और है एक्साइटेड, फिर है आपका रजनीश जी साय है या मोबाइल है, चलिए मोबाइल का तो हिंदी बताओ, सबको लिखो तो साय मोबाइल, मोबाइल साय है, मोबाइल है साय है और मोबाइल है। चलिए सीडेट का हिंदी, सीडेट मोबाइल का हिंदी बोलो, सीडेट मतलब शांत, शांत मतलब जब देखते हो कोई शांत बैठता है तो सीडेट कहा गया है, शांत करना का पैसिफाई और सीडेट मतलब एडिक्टेड मतलब होता है लत, क्या बोलते हैं लत, लग गई तुझे तो, मुझे तो तेरी लत लग गई, मैं एक बार गाना सुना था बहुत पहले ही, तो मुझे आ गया कि उसमें लत लग गई, यानी समझ सकते हैं आप लोग हमसे ज़्यादा, लत का मतलब एक लड़का गा रहा है स्पेशल किसी अपने प्रेमिका के लिए कि मुझे तो तेरी लत लग गई, मतलब एडिक्टेड है यानी जीना मुश्किल हो रहा है, एडिक्शन है ना, जैसे खैनी खाने वाले देखते हो आदि हो जाता है तो एडिक्शन में आ जाता है, वो बस खैनी चाहिए ही तो चाहिए नहीं तो जान देने लगा, तो देखते हो आजकल कूद रहा है जहाँ तहाँ, और तुम लोग इस सबसे बचो, एडिक्शन बहुत बुरी चीज़ है ना। एक्साइटेड मतलब उत्तेजित, होशो हवास, उत्तेजना नहीं बोलता है, उत्तेजना में है, और साय मतलब होता है संकोची, मतलब नहीं बोला अरे बड़ी शर्मिली है वो लड़किया दुल्हनिया शर्मिली है, और मोबाइल का मतलब जानवे करते हो सचल दुर्भाष यंत्र कहा गया है, सचल दुर्भाष यंत्र बोल सकते हैं इसे, तो लोग बोलता है चलंता भी, क्या बोलता है चलंता। पवन कुमार, आकाश गुप्ता, तो मैं जवाब मांग रहा हूँ दोस्त, मेरा जवाब दे दो, 20वां नंबर का जवाब दे दो सब लोग, मैं माजे से खुश हो जाऊंगा, 20 खत्म होगा और किताब में बचा, अब ग्रामर छोड़ेंगे और किताब में डूब जाएंगे बेटा। चलो जल्दी से, ऋतुराज बहुत खुश हो, ऋतुराज यस यस, ऋतुराज भी लगता है प्यार किया है काजी, है ना उसे एडिक्शन है का, एडिक्शन हो काजी ऋतुराज। कोमल,
वीडियोग्राफर उज्जवल इंद्रजीत अमन विश्वकर्मा शेखर अखिलेश चौहान आकाश गुप्ता काशीचक आकाश काशीचक पता है तुम्हारी बहन आकाशी ने तुम्हारी बहन बहुत अच्छा पोजीशन लाई थी पढ़ने में लगता है दो साल पहले मैथ में नंबर वन भी थी 100 नंबर था अंग्रेजी भी लगता है 90 पार ही था उसका वो लड़की पढ़ने में बहुत अच्छी थी आकाश तुम्हारी बहन थी संभवतः चलिए तो क्वेश्चन है एक्साइटेड सीडेट तो गौर करो ना शांत होना और उत्तेजना भी आ जाना गौर करो पहले और मोबाइल पर चलनता है ना तो शांत और उत्तेजना तो नहीं लग रहा है सीडेट का होगा एक्साइटेड होगा मीनिंग 20 का तो 20 का बी हो जाएगा दोस्त 20 का बी मोबाइल क्यों देते हो संदेश ज्यादा मोबाइल तो सबके हाथ में ही है और मोबाइल यहाँ नहीं होगा दोस्त 53 रजनीश है ऋतुराज है बी ऋतुराज बहुत अच्छा अब किताब में आ जाओ गर्दा कर दो ग्रामर में तुम लोग फंसते हो ये बात मान गया मैं बेटा दम तो ग्रामर में ही होता है बेटा ये बात सत्य भी है ग्रामर जिसका बेहतर है रियल में वही हीरो है सच्चाई किसी भी एग्जाम एयरफोर्स हो नेवी हो एनडीए हो एसएससी जितना भी एग्जाम है ना जो भी सेंट्रल जॉब में है जिसमें इंग्लिश आता है उस सारे एग्जाम में एक बात तो तय है ग्रामर बहुत ज़बरदस्त रहता है और मेरा पढ़ाने का तरीका इंटर नहीं बल्कि ज़्यादा है तो मैं अब चाहता हूँ करूँ चलिए 30 नंबर का जवाब चाहिए आप लोग का फटाफट हम 21 22 23 लिख देता हूँ एक बार में और सबका जवाब मांगते जाऊँगा लिखते जाऊँगा फटाफट बुक आ गया है बुक वाला आ गया है बुक वाला जवाब मिलेगा फटाफट तो 21 22 23 24 25 26 27 सारे बच्चे इसका जवाब मेरे को दो पहले 21 को चलो 21 नंबर 21 का बी बोल रहा है कह रहा है रिपोर्ट ग्रुप क्वेश्चन में है प्रवीण कुमार रजनीश है शेखर सुमन है बी गजेंद्र भारती बी पवन कुमार बी अखिलेश बी सौरभ बी अमृत राज बी लवलीन अखिलेश करण बी गौतम टिंकू अमन गजेंद्र 22 का सी चला गया जी 21 कहता है क्वेश्चन देखो जरा सा कहता है कि रूपर्ट ब्रुक जो है ना किस भेष में थे रूपर्ट ब्रुक बोलते हैं वेश में दगाई जब मतलब वेश में होता है सैनिक के वेश में तो कौन देश के सैनिक अमेरिका के हैं कि इंग्लिश के हैं यूरोपियन के हैं फ्रेंच के हैं तो रूपर्ट ब्रुक इंग्लैंड के थे ना तो 21 का बी होगा और इंग्लिश देना पड़ेगा चलिए 22 में आ जाएंगे 22 में चलिए 22 का जवाब 22 का रिप्लाई चाहिए फटाफट 22 द सोल्जर उसी से है द सोल्जर इज डैश 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 पोयम सोल्जर एक पोयम लव पोयम है हैप्पी पोयम वार पोयम नेचर पोयम चलो सोल्जर का कौन पोयम है जल्दी बोलो फटाफट रजनीश है अमन है सी बोला गजेंद्र है अखिलेश चौहान है इंद्रजीत विजय कुमार अमन चलिए एक व्यक्ति बोलते हैं उनका पार हो जाता है पढ़ भी नहीं पाता हूँ लंबा बोलते हैं ना रजनीश है वार पोएट है गजेंद्र वार पोएट है बहुत अच्छा अरे ये तो जवाब बिल्कुल है आसान क्वेश्चन का जवाब देता है तुम लोग यार एकदम इजी है यार ये सोल्जर क्या है ये सोल्जर जो है पोयम है जो वार पोयम है चलिए वार पोयम है तो वार कौन हो गया भाई पीसी हो गया वार पोयम तेसमा जवाब तेसमा है डैश 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 टॉल एंड थिन तेस नंबर क्वेश्चन देखो बेफा ऑफिशियल हो गया यार चलिए अखिलेश हैं शेखर है गौतम है एयरफोर्स ग्रुप इंग्लिश 25 में 23 स्कोर किए चलिए इंद्रजीत जी आप हमारे बच्चे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद और किन्हीं का भी हो यह तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी अमन है बहुत अच्छा नीतीश जी रजनीश हैं चलिए तो ये नंबर आपको 23 में मैकाबेटी 23 का बी इसका बी मैकाबेटी जो है ना ज़्यादा ना मोटा है ना लीन एंड थिन है मैकाबेटी बिलाड जो है ना आप मैकाबेटी पढ़े हैं वो लीन एंड थिन की बात हुआ है उसकी चर्चा हुआ है लीन एंड थिन है ना बिल्ला लीन एंड थिन है पढ़े होंगे आपको मिस्टिक है टीएस एलियट लिखा है और उन्होंने लिखा है कि बिल्ली के बारे में जो प्रॉपर्टी बताए हैं और इसको ग्लोरीफाई जो किए हैं पॉजिटिव ग्लोरीफाई भी और निगेटिव ग्लोरीफाई दोनों बोला जा सकता है तो ये निगेटिव है और पॉजिटिव दोनों समावेश किया गया है तो मैं क्या बेटी 24 नंबर क्वेश्चन 24 सारे बच्चे 24 गजेंद्र अमृत 24 नंबर 24 का ये अखिलेश चौहान 24 का ये
24 का ये मैकैवेटी द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, मैं पढ़े होंगे कविता तो मैकैवेटी जो है ना स्कॉटलैंड यार्ड इंग्लैंड के जो पुलिस हैं है ना स्कॉटिश पुलिस हैं वे है जो बैफलमेंट बना हुआ है। बैफलमेंट पहेली, बैफलमेंट मतलब क्या होता है पहेली बना हुआ है, यानी वो ऐसी पहेली जिसे सॉल्व करना पुलिस वाले स्कॉटलैंड यार्ड के लिए संभव नहीं हो रहा है। इसका इतना टफ क्वेश्चन है ना। तो ये आपका स्कॉटलैंड बोला गया है तो आप भर दोगे 24 का ये, 24 का ए स्कॉटलैंड यार्ड, स्कॉटलैंड चलिए 25 नंबर क्वेश्चन द पोएट कंपेयर्स द स्नेक टू, हाँ 25वां जवाब दो सब लोग, 25 नंबर का जवाब चाहिए। 25 नंबर क्वेश्चन पवन है, शेखर सुमन है, लवलीन है, 25 का, 25 द पोएट कंपेयर, कवि जो है तुलना करते हैं सांप को अल्बाट्रॉस से। पढ़े होंगे अल्बाट्रॉस से वो उपन्यास है द रैम ऑफ द एनिशियंट मैरिनर से लिया गया है। उसमें स्नेक जो है मारने के बाद जो पछताता है ना, जिस प्रकार अल्बाट्रॉस पक्षी को वो जो मैरिनर होता है ओल्ड मैरिनर पढ़े होंगे उससे, तो सी बर्ड से, सी बर्ड मतलब होता है समुद्री पक्षी। तो चलिए यहाँ हम की क्लियर करके देंगे ये जो है स्नेक को जो किया गया है सी बर्ड से, 25 का ये होगा, 25 का ये आंसर दे रहा हूँ सी बर्ड। 26 नंबर, चलिए 26 नंबर का जवाब चाहिए आप लोग से, 26 नंबर का जवाब। अब 26 नंबर कोमल कुमारी, अभी कोमल 20 में ही चल रही है, 26 में रजनीश बोल रहा है, 26 सी बोला रजनीश, रजनीश अखिलेश लवलीन इंद्रजीत करमवीर लक्की अखिलेश अमन माधुरी बेवफा ऑफिशियल, तू बेवफा है लवलीन जी, सी बोल रहे नीतीश राणा, बहुत अच्छा संदेश यादव सी, मैं भी कुछ देख लूं क्या क्वेश्चन है भाई आप लोग का, तो दिल मैं जीत लिया, सी सारे बच्चे सी बोल रहे हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है क्या। चलिए 26 का सी बोल रहा है द पोएट हैज डिजायर टू टॉक, सांप यानी कवि को इच्छा था बात करने का, किससे भाई, तो और बात करने की बात तो हम स्नेक में पढ़े हैं तो लगता है स्नेक से। चलिए 26 का सी बिल्कुल राइट, बहुत अच्छा बना लेते हैं आप लोग क्वेश्चन। चलिए 27वां जवाब दो, 27 नंबर, 27 नंबर जवाब दो बेटा, 27 नंबर जवाब दो, 27 नीतीश राणा साहब द वर्ल्ड फेमस, ये चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन से, 27 नंबर देख रहा हूं मैं, गजेंद्र भारती है, कर्मवीर कुमार है, शेखर है, टिंकू कुमार है, इंद्रजीत है, रजनीश है, ये बोल रहे हैं 27 का ये सारे बच्चे हैं, इंद्रजीत है, लवलीन, विजय, बेवफा, करमवीर, रजनीश, वो बच्चे जो हैं जुड़े हुए हैं, इंद्रजीत है, स्नेक बोल रहा है, 27 का बोले बेटा, 27 द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, विश्व के सबसे मशहूर एटिक सभ्यता कहाँ है, तो ग्रीक का है, क्या है, ग्रीक का है, सही बोले 27 का, अगर आप बोल रहे हैं ये तो बिल्कुल राइट, ग्रीक GREECE, ग्रीक 27 का। अभी अब आ जाओ, मिटा देता हूँ बेटा, अब जाऊँगा 28-29 पर है ना, आगे बढ़ता हूँ मैं, चलिए आप 28 के आंसर तो सब लोग मिलकर तब तक टाइप करो, तब तक मैं मिटाता हूँ, 28 में आ गया, 29, 30, 31, 32, 33, 34 और 35, इतना क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, इतना पहले क्लियर करेंगे फिर 28। चलिए बेटा 28 को टच करो, जवाब मैं देख रहा हूँ 28 का भी, जल्दी कीजिए सर, एकदम जल्दी हो रहा है दोस्त, अब तो बचा क्या, पांचों क्वेश्चन बचा है। प्रवीण कुमार, शेखर बी बोला भाई, विकास कुमार ए बोल रहे हैं, टिंकू बी बोल रहे हैं, रजनीश बी, बेवफा ऑफिशियल, नाम ऐसा लिख दिया है ना, थोड़ा सा अच्छा नाम रखता है तो बोलने में अच्छा लगता है यार, अखिलेश है, गजेंद्र है, नीतीश राणा है, शेखर है, गौतम है। चलिए 28 नंबर बोलता हूँ और तुम लोग 27 को बना देते हो, 28 का सुरुचि है,
पवन है, गौरव है, चक्रवर्ती गौरव, कहाँ रहते हो गौरव? अमन विश्वकर्मा, कहाँ चले जाते हो जी? अरे यार मत जा, बस 5-10 क्वेश्चन है, फिर जा करके जो है करना। चलो देखो 28, 28 का जवाब, द माइंड इज योर स्ट्रेस वर्ड, गांधी जी में है वो, और 28 का बी होगा। माइंड इज योर स्ट्रेस वर्ड, आदमी का जो दिमाग है ना, गांधी जी बोले हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में गांधी जी बोले हैं कि मनुष्य का जो दिमाग होता है ना, वो एक प्रकार का बेचैन है, सोया हुआ है तो भी स्वप्न देख रहा है। बताओ, शरीर तो आराम कर रहा है लेकिन ब्रेन जो चल रहा है, देखो सोचते रहो कि ब्रेन बहुत सोचता है, ब्रेन से ज़्यादा वर्क दुनिया में कोई भी कर नहीं सकता है। एक सेकंड में ब्रेन जो है चला गया अमेरिका, एक सेकंड में दिल्ली पहुंच गए, एक सेकंड बटा हजारवां में जाओगे तो भी, तो सोच लो ब्रेन बहुत चलता है, बहुत बेचैन रहता है। इसलिए गांधी जी इतना बेहतर बात बोले हैं और बिल्कुल सही है। 29वां नंबर, सारे बच्चे 29, 29 क्वेश्चन का जवाब चाहिए, 29 का ये है। इंद्रजीत, लवलीन, इंद्रजीत, विकास, रजनीश, कहाँ गया जी? विपुल, कौशल कहाँ जाता है, सो गया का? अखिलेश, गजेंद्र कहाँ गया? इंद्रजीत, नीतीश राणा, करमवीर, जगाना पड़ेगा। गौरव 29 का ही जवाब, शेखर, सुमन, अखिलेश, गौतम, सब बिल्कुल राइट है, संभवतः ये बोल रहे हैं जो होगा धोखा, अभी जितना बोल सकता है पहले क्लसों में गर्दा उड़ा देंगे, है ना? सुन रहे तुम, 29 का, 29 का डैश डैश। जाकिर हुसैन बोले हैं कि राष्ट्र निर्माण में जो है ना शिक्षा सबसे प्रमुख उपकरण के तरह काम करता है, शिक्षा तो सही तो है, 29 में बोले हैं। चलिए 29 का ये आप आराम से लिखिए, एजू केशव। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, यानी 30 नंबर खत्म होने वाला है, 30 क्वेश्चन, 30 नंबर, अब 30 नंबर देर नहीं, 30 क्वेश्चन जा बेटा। भारत इज माई होम कौन लिखा है जी? भारत इज माई होम बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, भारत इज माई होम किसने लिखा है? 30 क्वेश्चन, 30वां नंबर, भारत इज माई होम, इसका सी, सारा बच्चा सब जानता है, मेरा बच्चा इतना कमजोर कोई भी नहीं होगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। चलो 31वां नंबर, 31 क्वेश्चन को लगो, अब लास्ट होने वाला है, बस 8-9 क्वेश्चन बचा हुआ है बुक वाला, 31 में आ जाओ। 31 क्वेश्चन किस चैप्टर से? नानू काका से, ये पिंच ऑफ प्रश्न से है, और ये पिंच ऑफ प्रश्न से आप पढ़े हैं, क्या पढ़े भाई? ये पिंच ऑफ प्रश्न पे पढ़े हैं, नानू काका का जो अपना भांजा को जो बांध दिए थे टाई, है ना, जोधपुरिया टाई, वो बी नंबर बोल रहे हैं, अखिलेश है, करमवीर है, रजनीश हैं, बी है, बिहारी जी हैं, 29 30 तक दे दिए हैं, अब अनमोल है, अखिलेश है, मधु है, मधु कंटिन्यू रहो बेटा, नीतीश, शेखर, लवलीन, अमन विश्वकर्मा 31 का बना रहा है, विजय कुमार, इंद्रजीत है, गौतम कुमार एक चुटकी खैनी, बहुत अच्छा पढ़े हैं, अमन हाँ, बहुत अच्छा पनीर रोटी बनाता है भाई शायरी बोल रहा है, हम इसको पढ़ने में लगे हुए, पनीर रोटी इतना अच्छा शायरी लिख रहा है, पनीर रोटी की तो को तोड़ेंगे गुरु इश्क का इस कदर सुधर जाएगा, खड़ी रहेंगे मोहब्बत रास्ते में हम सामने से गुजर जाएंगे। अरे यार क्या यार, तुम्हें तो शायर होना चाहिए, आप बहुत ज़बरदस्त बोलते हो दोस्त, बहुत ज़बरदस्त। क्या क्वेश्चन था? 31 पर लग जाएंगे लोग, 31 क्वेश्चन में आंसर देंगे बेटा, नानू काका तो बी, 31 का बी होगा ऑरेंज, ऑरेंज कलर का, ऑरेंज कलर का। 32 बोलो जल्दी, 32 बोलो जल्दी जल्दी, 32 बोलो। वेन टू मिनिस्टर जोधपुर कोर्ट के गया था मनोहर जी, 30 डी, अखिलेश, अमन विश्वकर्मा डी बोल रहे हैं, 41 का, 41 कैसे चला गया दोस्त? अभी 41 तो है ही नहीं यार, तुम लोग हद करते हो, 32 का डी होगा, 32 में है ना,
जोधपुर कोर्ट में जो गया था मंत्री से मिलने कौन गया था? मनोहर मालगांवकर गए थे यानी हट्टू का डी डी मनोहर मालगांवकर मनोहर मालगांवकर 33 का आंसर चाहिए मेरे को केवल 33 दो। अमन विश्वकर्मा नीतीश राणा रजनीश सुरुचि 33 का जवाब चाहिए 33 बेटा बी बोल रहा है। अमन सुरेंद्र लवलीन शेखर क्या बोला? बी बोला है। सुरुचि बी बोल रही है। शेखर सुमन बी बोल रहा है। लवलीन बी बोल रहा है। अमन विश्वकर्मा बी है ना। कहता है सेबी के पापा काम करते थे कौन सप में? तो बड़ी के सप में 33 का बी। हाँ बड़ी का दुकान था 33 का बी होगा कारपेंटर शॉप कारपेंटर। देखो मैं बना रहा हूँ ना मेरा बच्चा बाद में चेक कर सकता है। 34 नंबर यू आर एन इडियट तुम मूर्ख हो। जब सेबी जो था ना स्कूल में जो काम किया इस वजह से बात हो रहा है। 33 का बी 34 का जवाब दो 34 नंबर का 34 नंबर जवाब दीजिए। अमन विश्वकर्मा 34 का ये बोल रहा है 34 बोल रहा है अब हो गया है 34। शेखर सुमन बोल रहा है ये 34 का। मैं भी बताता हूँ 34 का ए 34 का ये दिया है जो दिया है टीचर 35 क्वेश्चन है। बेंजी मूव्ड इन टू द हाउस विथ डैश डैश हिज वाइफ एट द एज ऑफ 40। 40 साल में अभी तो पढ़ किया है लगता है आज ही खत्म हुआ है टॉपिक वहां तक क्या है। 40 साल में बेंजी जो था ना 40 साल में बेंजी शादी किया था बताओ बुढ़ाने के बाद वो शादी किया वो लड़का है ना। और उसके बाद वो लड़की का नाम था क्या भाई? तो फ्लोरेंस नाम था। तो 35 का बी होगा 35 का बी। ये आपको पता है फ्लोरेंस जो है वो शादी किया था 40 साल की उम्र में अपने ही इम्प्लॉय से किया था शादी और अपने पोल्ट्री फॉर्म में वो लाया था एज अ इम्प्लॉय स्टाफ बना करके ताकि उस पोल्ट्री फॉर्म में सफाई कर सके। वो औरत लड़की बदसूरत थी कहानी में बताया गया है और कहीं कहीं उसे लव अफेयर होता है और किसी न किसी तौर पर इनक्यूबेटर हाउस में जो भी कुछ करता है उसका बयां किया गया है। 35 के बाद 36 को देख लो बेटा 36 अब तो लास्ट होता है। 5 क्वेश्चन बचा हुआ है तुम लोग 5 का जवाब दो और अपने अपने भूख लगाए खाने पर चल जाना। तो 36 है एक बार लिखता हूँ 36 37 38 39 एंड 40 ये 5 क्वेश्चन का जवाब दो। 36 में क्या है जवाब लास्ट में ले लेता हूँ जवाब। देखो लास्ट होने वाला है 36 जॉनसन रेंटेड लैंड फ्रॉम जॉनसन जो जमीन लिया था किराए पर किससे लिया था 36 का जवाब दो। अमन विश्वकर्मा डी है। अमन का तो बड़ा क्वेश्चन अच्छा। नीतीश राणा सेंडर्स ठीक है टिंकू भी लिखा है सही शेखर सुमन है अखिलेश है सुरुचि है परवीन है एल एस गेमिंग सैलनी है नया नया कुछ विद्यार्थी इंद्रजीत है ना पनीर रोटी भी आया है क्या लिखते हैं भाई लवलीन सुरुचि कुमारी सैंडर सेंडर। हाँ बेटा वो जमीन जॉनसन लिया था ना उस सेंडर से लिया था 36 में आप लिखोगे डी सेंडर्स। चलिए 37 में लोमोक कैसा लड़का था? लोमोक था 35 साल का। कैसा लड़का था? सी तो लोमोक 35 साल का लड़का था और नतालिया 25 साल के लड़की थी है ना 25 years बताओ 10 साल का गैप में शादी किया है। लोमोक जो था ना 35 साल का लड़का था जो मैरिज प्रपोजल ड्रामा पढ़े होंगे उससे रिलेटेड का है और वो बोला गया लोमोक का कैसा लड़का था। तो क्वेश्चन यह सकता है लोमोक 35 साल का था और नतालिया जो थी वो 25 साल की थी ये दोनों में लव मैरिज था और शादी करना चाहता था है ना परंतु विवाद होता है झगड़ा होता है डिस्प्यूटिंग है ना। चलिए 37 हो गया है 38 लो नतालिया लोमोक से प्यार में पागल कौन था 38 का ये परवीन है सारे बच्चे बहुत अच्छा 38 नीतीश राणा नतालिया लोमोक से पागल की तरह प्यार करता था कौन था भाई कौन था बताओ जल्दी। तो ये नतालिया क्या थी
तो इसको बोल सकते हैं हम, लिख देता हूं 38 का ये पागल की तरह प्यार करती थी है ना, फिर भी झगड़ती थी ना तनिया है ना, वो 25 साल की लड़की थी। 39 का जवाब दो, 39 और 40 का जवाब दो बेटा, अब खत्म करते हैं। 39 और 40 एक बार लिख दो जल्दी जल्दी, 39 और 40 का जवाब। 39 का बी करमवीर, शेखर, प्रवीण, लवनीन, रजनीश, इतिश राणा, बी 39 और 40 दोनों, बी 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 39 40 दोनों लिखे भेजो, 39 और 40 दोनों दो। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट द लास्ट, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग पढ़ रहा हूं मैं और आपका भी देख रहा हूं मैं। सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग इन द बेस, सादा जीवन उच्च विचार जो है ना वो आधारित क्या है, तो भारतीय सभ्यता पर है, इसलिए 39 का भी है, इंडियन सिविलाइजेशन में ही ऐसा है, सिविलाइजेशन। और 40 में है फराओ, मिस्र के राजा को फराओ कहा गया है, मिस्र के शासक को फराओ, तो मिस्र को आज इजिप्ट कहते हैं, यानी यह नंबर कह सकते हैं इजिप्ट, EGYPT इजिप्ट है ना, मिस्र। तो 40 का ये होगा है ना। चलिए कहानी दहेज हो गया और फिनिश हो गया, चलिए बाय बाय, टेक केयर। अभी मैं आप लोग से कुछ छोटा मोटा कुछ विशेष तो सूचना जाते वक्त भी दे दो बेटा, कि मेरा 15 सितंबर से 11th और विथ 12th, 11th विथ 12th की चर्चा होगी, ऐलान 11th विथ 12th जो है एक बैच खोल रहा हूँ है ना, और वो बैच है स्पेशल शाम में 5 बजे से है ना। तो सारे बच्चे को आप अपने से जो भी हो सके शेयर करो और सबको बताओ है ना। चलो ठीक है, ओके, टेक केयर। कल भी मैं क्वेश्चन बांटूंगा, हो सकता है मॉर्निंग बैच में क्वेश्चन बांटा जाएगा सेट 5 है ना, क्योंकि जिस बैच में बन टाइप हो जाता है मैं उसमें बांट देता हूँ, जैसे अभी शाम में बांट रहा था बट गया था। तो आप लोग नए बटे नए मिले बेटा, तो कम से कम आप किसी तरह से जेरोक्स कर लो और आ जाओ, उतर जाओ बेटा, जरूरी है, हमें 90 पार चाहिए, 90 पार लगभग बच्चा चाहिए मेरे को, अंग्रेजी में 90 से कम नहीं होना चाहिए है ना। करमवीर, इंद्रजीत सर बेटा बाय बाय करता हूँ मेरा बच्चा, चलो मॉर्निंग में मिलता हूँ है ना सबसे, लव यू सर, इंद्रजीत लव यू बेटा, लव यू, आई लव यू, ओके चलो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। थैंक यू लवली, नोटबुक में लिखो बेटा, बंद कर रहा हूँ।